जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे होती है। तो धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर हम लाल रंग का आसन बिछा लेंगे और भगवान कुबेर की जो तस्वीर है उसको विराजमान कर लेंगे। चावल का आसन दे दिया है और प्रतिमा को विराजित कर लिया है तस्वीर को मैंने। अब यहाँ पर हमने जो चावल का आसन दिया है वहाँ पर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजित करेंगे। तो देखिए अब मैं लक्ष्मी और गणेश जी को यहाँ पर अपने विराजित कर रही हूँ, क्योंकि जो मिट्टी की मूर्तियाँ आती हैं वो दिवाली पूजन वाले दिन नहीं रखी जाती हैं। तो आज के दिन जो हमारे घर में पूजा घर में जो प्रतिमाएँ रखी होती हैं ना लक्ष्मी गणेश जी की, उनका ही हम पूजन करते हैं। तो अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पास में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, चौकी के इधर पास में मैंने स्वास्तिक बनाया है। इस जगह में दिया रख दूंगी, जो कि मैंने देसी घी का दिया बनाया हुआ है, उस दिए को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए इस जगह हमने दीप रख दिया है और भगवान जी के पास में हम एक कलश भर के रखेंगे, जिसमें कि हम एक सिक्का डाल देंगे और पिसी हल्दी या हल्दी की गांठ डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये कलश का निर्माण किया है। अब हमारी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जल का पात्र लेकर जल का जो कलश है वो लेंगे और हम यहाँ पर भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें कुबेर भगवान का पूजन करना है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है। उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का भी पूजन करना है और फिर हमें चंदन लगाना है, रोली चावल से पूजा करनी है। तो हम अपने धनतेरस कुबेर भगवान का उनके यंत्र का पूजन करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी पूजन करेंगे और उन पर भी अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो पुष्प अर्पित करने के लिए देखिए इस तरीके से हम भगवान के समक्ष पुष्प अर्पित कर देंगे और एक पुष्प हम कलश के पास भी रख देंगे। अब हम यहाँ पर पूजन होता है मुख्य तौर पर झाड़ू का, धनतेरस वाले दिन झाड़ू का पूजन होता है। तो हम यहाँ पर झाड़ू रख लेंगे, ये पूजा वाली झाड़ू होती है जो कि पूजा की शॉप पर छोटी सी मिल जाती है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये छोटी सी झाड़ू है। अब हम इसका पूजन करेंगे। तो पूजन कैसे करना है, वही जैसे अभी हमने भगवान का पूजन किया है उसी प्रकार से हम पूजन करेंगे। रोली लगाएंगे, सबसे पहले चावल चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे और थोड़ा सा कलावर भी चढ़ाना है, वस्त्र स्वरूप अर्पित करना है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है झाड़ू। तो इस प्रकार से हमने झाड़ू को कलावर चढ़ाना। इस प्रकार से हमने झाड़ू का भी पूजन कर लिया, भगवान कुबेर का पूजन किया, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया। अब आज के दिन सबसे जरूरी चीज होती है धन वर्षा पोटली बनाई जाती है। तो धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ धन वर्षा पोटली में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए ये होता है इस कमलगट्टा, सुपाड़ी, लघु नारियल, गुंजा के बीज, धनिया, चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हों, श्री यंत्र, कौड़ी, मोती और गोमती चक्र। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसको बोलते हैं धन वर्षा पोटली। इसको जरूर बनाना चाहिए, ये धनतेरस वाले दिन ही साल में एक बार बनाई जाती है, तो इसलिए इसका पूजन जरूर करना चाहिए। इसको बनाकर यहाँ पर रखिए और फिर इसका पूजन करते हैं। तो आप पूजन करते हैं, देखिए जो चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हैं वो जरूर लेना है। तो लक्ष्मी गणेश जी बने हो आपको वो ही वाला सिक्का देके लेना है ना। अब इसका हम पूजन करेंगे और अच्छे चढ़ाएंगे सारी चीज़ों पर और हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब जो हमने धन वर्षा पोटली बनाई है उस पर पुष्प अर्पित कर देंगे और दीप के पास भी फूल चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से अब हम भगवान जी को, क्योंकि दिवाली की जो पांचों दिन की पूजा होती है उसमें भोग स्वरूप खीर बताशे का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम खीर बताशे का भोग भगवान के समक्ष रखेंगे। ओके, और भगवान को फल चढ़ाएंगे। अब हम भगवान के समक्ष मिष्ठान का भोग लगाएंगे और
माता लक्ष्मी गणेश जी को और कुबेर भगवान को हम पान भेंट स्वरूप चढ़ाएंगे। पान में हमें क्या क्या चीज़ें रख के चढ़ानी है, देखिए पान में हमें चढ़ाना होता है लौंग दो, एक सुपारी, एक कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, इस प्रकार से बनाकर और इस पर रोली से 5 बिंदियां रख लीजिए और इसको फिर भगवान के समक्ष लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी का ध्यान करते हुए कि हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर करें और ये पान उनको अर्पित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अर्पित कर देंगे। तो अब बस हमें करनी है आरती, क्योंकि धनतेरस वाले दिन यम का दिया जलता है जो कि फिर हम अलग तैयार करते हैं। उसका कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो मैं अलग डाल दूंगी आपके लिए। तो वो यम का दिया और पूजा की जाती है, झाड़ू का पूजन जरूर किया जाता है आज के दिन, धन वर्षा पोटली बनाई जाती है, भोग लगाया जाता है और फिर लास्ट में रात को जब सब लोग आपके घर के अंदर आ जाए तब जलाया जाता है यम का दिया। धनतेरस वाले दिन भी कुछ लोगों के यहाँ जलाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी कि धनतेरस के दूसरे दिन भी जलाया जाता है। तो आपके जिस तरीके से जलाया जाता हो उस दिए को जरूर जलाइएगा, उससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और सारे विघ्न दूर होते हैं, यम भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो उस दिए को जलाने की पूरा विधि विधान पूजा आपको मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब करते हैं हम आरती, कुबेर भगवान की हमें आरती करनी है जो कि हम करेंगे कपूर से। दिवाली की पूजाओं में जैसे धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा सब में ना आरती आप ना कपूर से ही कीजिएगा, भीम सेनी कपूर से, इससे बहुत अच्छे फल मिलते हैं आपके जीवन में, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जय हो। आप मोबाइल में आरती लगा सकते हैं, आप है ना आरती पढ़ भी सकते हैं आरती की किताबों। तो इस प्रकार से आरती करते हुए कुबेर भगवान का ध्यान कीजिए, माता लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में धन धान्य बना रहे। आप इस समय अपने घर में जो रुपए पैसे हों, जेवर हों, उनका पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस यानी कि धन की पूजा होती है और आज के दिन 13 दीप जलाए जाते हैं। तो देखिए ये जो दिए हैं इनको 13 दिन के दीप जलाए जाते हैं, एक दिया होता है, फिर 14वां दिया होता है जो यम का दिया होता है। तो इन दियों को आप बाती रखकर घी की और जला सकते हैं 13 दिया। तो ये डेमो वीडियो है इसलिए मैं आपको जलाकर नहीं दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से फिर हम ये पूजन समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।